अंकल देखिए, अंकल मेडिटेशन कर रहे हैं रोड पर बैठ के। देखिए वैसे तो खैर वो मेडिटेशन ही कर रहे हैं, पर एक बार के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे वो नाक साफ कर रहे हैं। बट नहीं, वो मेडिटेशन कर रहे हैं, मैं गलत था। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज हम बहुत दिनों बाद व्लॉग पे आए हैं। आज सुबह सुबह घूमने जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे साइकिल लेके। और सुबह सुबह फ़िलहाल तो कोई नज़र आ नहीं रहा है, बाकी दिखाते हैं। देखिए गाइस, सुबह का सीन है, सुबह के बज रहे हैं 6 और हम निकल दिए हैं मॉर्निंग वॉक पे साइकिल लेके। सुबह सुबह देखिए कोई नहीं दिखाई दे रहा। ये संजीवनी हॉस्पिटल है, हमारे घर के पास में ही पड़ता है। और सोचा कि आज वॉकिंग करी जाए वो साइकिल से। चलो चलते हैं, देखते हैं आगे का सीन क्या है, घूमते हैं आज सुबह सुबह। मैं सोच रहा हूँ अभी से स्टार्ट करेंगे तो आगे से जल्दी उठने का वो हो जाएगा प्रोग्राम शुरू, क्योंकि एक दिन में तो होता नहीं, धीरे धीरे ही उठा जाएगा। आज थोड़ा लेट उठे हैं तो और दिन जल्दी उठेंगे, फिर ऐसे ही शेड्यूल हो जाएगा न्यू ईयर तक, वही लड़का वाला सिस्टम। भाई न्यू ईयर से करूँगा शुरू, तो शुरुआत तो हमने पहले ही कर दी है, बट न्यू ईयर से क्या थोड़ा सा हैबिट में आ जाएगा, हैबिचुअल हो जाएंगे हम उसके, इसलिए। और देखिए एक अंकल लौके को घुमा रहे हैं। ये आ गया गाइस सूर्यनगर का सर्कल, और हम अभी जाएंगे हाईवे की तरफ जो कि दिल्ली रोड यहाँ पे है हमारा। धीरे धीरे हम जा रहे हैं। ओह गाइस, यहाँ तो ठंड लग रही है और हाथों में, क्योंकि ग्लव्स तो मैंने पहने नहीं है तो हाथों में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। कि रोड बिल्कुल खाली है, बिल्कुल ही खाली रोड है, क्योंकि सर्दियों में बहुत कम लोग ऐसा जो घूमने जाते हैं। और पीछे हमने छोड़ दिया सर्किल को, सामुदायिक भवन है हॉस्पिटल का। देखिए किडजी स्कूल है, और यहाँ की और स्पीड ब्रेकर। अभी तो ज़्यादा कुछ लोग दिख नहीं रहे हैं, आगे लगता है दिख जाए तो हो सकता है, क्योंकि फॉग पड़ रही है यार, सर्दी में कौन निकलेगा इतना। हमने सोचा हम ही जाते हैं यार, सब जाते होंगे, हम नहीं जाते, हम सोते रहते हैं। पर गाइस बहुत कम लोग जाते हैं यार, मतलब हम ही नहीं सोते, सभी सोते हैं। चलो अच्छा, ओहो एक भाई और दिखा जो कि रनिंग कर रहे हैं। देखिए रनिंग कर रहे हैं धीरे धीरे, और चलते हैं आगे। आगे गाइस सूर्यनगर मोड़ पे, और यहाँ तो कुछ लोग दिखे, शादी कहीं आने जाने वाले हैं। और हम इसको क्रॉस करके जाएंगे सीधा अम्बेडकर नगर की साइड, 45 नगर, ऐसा दिखता है सूर्यनगर मोड़ कुछ इस तरीके से। ओ सॉरी, ब्रेकर आ गए। रोड को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं अम्बेडकर नगर की साइड, हम वहाँ करेंगे साइकिलिंग। गाइस बहुत ही ठंडी लग रही है यार हाथों में, भाई सुबह सुबह न्यूज़पेपर देने लगा रहा है बस। ये तो बहुत पहले से घूम रहा होगा मेरे भाई शुरू में, और ये बहुत हार्ड वर्क करते हैं न्यूज़पेपर वाले, बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही है, हटा लेता हूँ हाथ को। वैसे तो खैर ये डेंजरस है यार, इसमें मैं गिर भी सकता हूँ, पर हाथों की ठंड भी बचानी पड़ेगी ना। चलते हैं आगे, आगे कुछ लोग जा रहे हैं, दो तीन लोग वो भी घूम रहे हैं, ज़्यादा ठंड लग रही है यार, पकड़ लेता हूँ। देखिए डर गया बेचारा। आगे तो फॉग ज़्यादा पड़ रही है यार,
नीचे जाके कुछ दिख रहा है, दो लोग दिख रहे हैं बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि फॉग पड़ रही है बहुत ज़्यादा। ओह माय गॉड, यहाँ तो सर्दी भी लगेगी और हाथों में। कोई ना, चलते हैं आगे की साइड। सर्दी लगेगी तो लगेगी, क्या करें, घूमना भी तो है। बहुत जोर की भोर पड़ रही है और ये बाइक भी बहुत नज़दीक से दिख रही है, दूर से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए आगे कोई बाइक आ रही है, सिर्फ लाइट ही दिख रही है, बाकी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। देखिए पास आएंगे तब जाके वो बाइक दिखेगी। और यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सब ऐसा धुंध है। बाइक गई थी वो भी नहीं दिखाई दे रही, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखिए पीछे की साइड से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, घूम रहे हैं क्या करें। कोई ना, चलाएंगे, सर्दी तो लगेगी। खैर मैं पता लग गया भाई, मैं क्या कल सोचता था, मैं सोचता सब घूमते हैं और लड़के और मैं सोता रहता हूँ, पर मुझे पता लग गया कोई नहीं घूमता क्योंकि रोड तो सारा खाली है और फॉग पड़ रही है तो कोई नहीं निकलता भाई सर्दी में। सब निकलते होंगे तो लेट निकलते होंगे, 7 या 7:30 के आसपास, क्योंकि 6 बजे तो मैं ही यार, अभी तो कोई है नहीं यहाँ पे, कोई दिखाई भी नहीं दे अभी तो। एक दो लोग अंकल आंटियाँ हैं। देखिए गाइस, जो सामने जो बिल्डिंग दिख रही है वो वीरा गार्डन का फ्लैट है, जो खाली ऊपर से दिख रहा है, नीचे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आवाज़ से दिखाता हूँ थोड़ा सा। अब देखो फॉग के नज़ारे यहाँ देखेंगे। असली फॉग कुछ नहीं दिखाई दे रहा भाई, ट्रैक्टर आ रहा पर दिखाई दे रहा बिल्कुल पास ही। इस भाई के पास लाइट भी नहीं है, इसे तो लाइट भी जला रखी है, और ना ऐसे में फिर एक्सीडेंट होने का डर भी रहता है क्योंकि यार फॉग में तो लाइट चाहिए ही। ऐसे तो कुछ दिखाई, तो लाइट तो दूर से दिखी जाती है ना, इसलिए कहीं ना फिर भी चलेंगे हम आगे की साइड, फॉग तो कवर करेंगे ही। अच्छा इधर चलते हैं, इधर घुमा देते हैं इसको, फिर चलते हैं एक बार इधर का मार के आएंगे, फिर आगे देखते हैं। अंकल देखिए, अंकल मेडिटेशन कर रहे हैं रोड पर बैठ के। देखिए वैसे तो खैर वो मेडिटेशन ही कर रहे हैं, पर एक बार के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे वो नाक साफ कर रहे हैं बट नहीं, वो मेडिटेशन कर रहा, मैं गलत था, वो तो एक मजाक की बात है गाइस। यार ठंडी लग रही है, क्या करें, जेब में हाथ दे ले थोड़ी देर, और ये टेढ़ा मेढ़ा और हो गया यार, कि ब्रेक करा जाते तो दिक्कत तो होती है यार, क्या करें। फैजिया के गर्ल्स हॉस्टल, SC ST OBC वाले, ये भी बस में ओनली गर्ल्स के लिए अलाउ हूँ बस। ठंडी लग रही है, क्या किया जाए, वापस मोड़ ले जाए, चलिए तो वापस मोड़ लिया जाए, वापस टर्न ले। अंदर डालना पड़ेगा, उससे तो बाकी ग्लव्स ले जाएंगे यार, इतनी सर्दी में तो पानी फटेगी यार। नहीं यार ग्लव्स चाहिए, लेकिन पैर थोड़े से तेज चलाने पड़ रहे हैं इसलिए। देखिए फॉग आ रही है उड़ के, ये फॉग आ रही है उड़ के कहीं से क्या आ रही है यार यहाँ पे, खेत वेत है नहीं, बाकी सर्दी पड़ी गई। हाथ हाथ देखिए, हाथ क्या हो गया, हाथों का ऐसे ही भाई, अब सुबह का मजा लेने तो सर्दी तो सहन करनी पड़ेगी ना मेरे भाई, तो इसलिए नोजी भी आ रही है यार। कोल्ड नहीं हो रखा वैसे, पर नोजी आ रही है, क्या करो, देखिए बच्चे रनिंग कर रहे हैं यार, भाई बच्चे भी रनिंग कर रहे हैं, ऐसा करते हैं यार, गियर चेंज करूँ क्या, नहीं ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल स्पीड में चलेंगे। अच्छा
अच्छा लगेगा। और हम एक टर्न लेते हैं। गाइस ये अपनी मोमडन हॉस्टल गर्ल्स के लिए स्पेशली, गर्ल्स रहती हैं स्टूडेंट। अब हम लगाएंगे थोड़ी सी टिप्स क्योंकि सर्दी लग रही है। चिड़िया नहीं उड़ा रहा मैं यार, भाई सर्दी लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगली बार वो खड़ी अपनी बाइसिकल, देखिए मिलते हैं इसके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।